मजदूर लोग मेहनत कश लोग ज्यादा बचते हैं, उनकी सुविधा के लिए मदद के लिए एक ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन की अभियान रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई। इस मुहिम के जरिए हुकूमत हिंद के जरिए जो स्कीमों से फवायद पहुंचते हैं वो फवायद पहुंचने में आसानी होगी। इससे एक बात साबित होती है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनता के मसाइल से जुड़ी हुई है। ये कैंप का मुनाकिद करना इस बात का सबूत है कि हम जनता तक, अवाम तक, मेहनत कश अवाम तक हुकूमत की स्कीमों को पहुंचाना चाहते हैं। मैं इस मौके पर हमारे शहर सदर शहर नक्शबंदी साहब की मौजूदगी में और तमाम साथियों के जैसे हाजी इसाक साहब हैं, सिराज सौदागर साहब हैं, अक्रम भाई हैं, ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस अवाम की खिदमत के लिए वचनबद्ध है, करेगी और करते रहेगी। सर, जैसा कि आपने देखा भी बुड्डी लाइन में लास्ट टाइम एक प्रोग्राम हुआ था, व्यापारी महासंघ भी शुरुआत हो गई, एमआईएम की कामगार संगठन स्थापना करने वाले, कामगार संगठन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हमने तय किया है, अभी एक और मुहिम भी है बांधकाम कामगार रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद इंशाल्लाह संगठन बनेगी, वार्ड वार्ड कमेटियाँ बनेगी। कैसा कि सर कुछ शहर के कार्यकर्ताओं का हमको वो लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आपका सवाल बहुत मानी खेज है और जरूरी है, मजलिस ने इस मैदान में भी काम करना चाहिए और इंशाल्लाह कर। ये कार्ड बना के और ये पूरा 15 मिनट में ये कार्ड हम बना के ये आवाम को दे रहे हैं यहाँ पे, और ये कार्ड हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को आज से वाटर होंगे, और आपके माध्यम से तमाम किराड़पुरा और रहमाने कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी है या बाजू बाजू के जितने भी लोग हैं इसका 3 दिन का कैंप लगने वाला है, इसको लाभ उठाइए और यहाँ पे आके सिर्फ 2 पेपर लगने वाले, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ों का काम है। और 14 साल से 60 साल की उम्र तक का इसका आयोग का ये है, ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहता हूँ। गफ्फार कादरी साहब मेरे बोलने पे आए मजलिस से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शारिक साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, और आगे की बात शारिक साहब बोली जनता के लिए जितनी सरकार की इस्तेमाल है वो सरकारी इस्तेमाल जनता तक पहुँचाए, इसके लिए जनाब हाजी साहब साहब ने अपने वार्ड में जहाँ पर बड़ी आबादी रहती है जो बहुत सारी सरकारी इस्तेमाल से महरूम रहते हैं, उन्होंने ई श्रम कार्ड के जरिए और मजदूर कार्ड के जरिए उन तक सरकारी पहुँचाने के लिए आज ये कैंप मुनाकिद किया है। मैं इस मौके पर उनको मुबारकबाद देता हूँ और अवाम से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा यही कोशिश करती है कि वो हर छोटी से छोटी स्कीम का जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। ये कैंप हमारे कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर आज हाजी इसाक साहब ने अपने वार्ड में रखा है, और इस तरह के कैंप सिर्फ इसी वार्ड में नहीं बल्कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पूरे शहर में और पूरे ज़िले में रखे जाएंगे। हम जनता से यही अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का फ़ायदा उठाए, हम एक ब्रिज के तौर पर, एक पुल के तौर पर आपके और सरकार के दरमियान का काम करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का फ़ायदा मिले। खासतौर पर इस विराटपुरी की जनता, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और आसपास की जनता इसकी बहुत एहसान मंद है, शुक्रगुजार है, इन्होंने हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया हमारे। Right now and press the bell icon.